नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto A32 versus Vivo Y02 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A32 में 2.95 इंच जबकि Vivo Y02 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A32 में 185 ग्राम जबकि Vivo Y02 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A32 में 6.5 इंचेस जबकि Vivo Y02 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A32 में 83.09% जबकि Vivo Y02 में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो A32 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y02 की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A32 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y02 की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A32 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y02 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A32 में MediaTek Helio G37 और Vivo Y02 में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें रैम की तो A32 में 4 GB की रैम मिलती है, जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB 3 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A32 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 32 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A32 में अप टू 1 TB जबकि Vivo Y02 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A32 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8640 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y02 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 11999 रुपीस, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो A32 में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y02 की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में A32 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A32 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord N20 SE है, दूसरा Samsung Galaxy M32 Prime Edition है, तीसरा Xiaomi Redmi A1 Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Moto E22S है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।